सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डी डॉट डिजाइंस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी डॉट डिजाइन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे ऑटोकैड को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं ऑटोकैड में, 2021, 2020, 2019, 2018 कोई भी वर्जन बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी पूरे 3 साल के लिए। हम लोग इसमें स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑटोकैड जो है ऑटोडेस्क कंपनी द्वारा बनाया गया है। तुम लोग गूगल में जाके ऑटोडेस्क कंपनी का ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, तो सबसे पहले एक क्रोम ब्राउजर या फिर कोई आपके पास अगर ब्राउजर है डेस्कटॉप पे या मोबाइल में किसी में भी, तो आप उसे ओपन कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे क्रोम ब्राउजर है, मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ। जैसे ही ब्राउजर आप ओपन करेंगे तो सर्च स्पेस में जाके आप सर्च करेंगे autodesk.com, AUTODESK autodesk.com। आप देखिए यहाँ पे ये आ गया, इसे सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि autodesk का ऑफिशियल पेज है। उसके बाद आपसे यहाँ पे देख सकते हैं विजिट आवर इंडिया साइट, विजिट ऑन आवर यूएसए साइट। अगर आप इंडिया से हैं तो विजिट आवर इंडिया साइट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे विजिट आवर इंडिया साइट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोडेस्क का इंडिया का जो साइट है वो ओपन हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया इंग्लिश ओपन हो गया। उसके बाद हम लोग को सिंपली यहाँ पे मीनू में जो है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, प्रोडक्ट का, सपोर्ट एंड लर्निंग का, डाउनलोड का, बाय का और अबाउट ऑटोडेस्क का। तो हम लोग को डाउनलोड करना है तो हम लोग सिंपली डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके सामने अगेन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कि डाउनलोड योर सॉफ्टवेयर लिखा रहेगा, फ्री प्रोडक्ट ट्रायल रहेगा, फ्री स्टूडेंट सॉफ्टवेयर रहेगा, फाइल रिव्यूअर रहेगा, अपडेट एंड सर्विस पैक रहेगा। तो हम लोग को फ्री स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? फ्री स्टूडेंट सॉफ्टवेयर। फ्री स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का विंडोज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इन्वेंटर है, रिवेट है, ऑटो कैड है, 3ds Max है, माया है। ये सारे सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोडेस्क कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये सारे सॉफ्टवेयर में से कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्वेंटर का यूज हम लोग 3D Mechanical में CAD सॉफ्टवेयर के रूप में करते हैं, जिसमें कि हम लोग सिमुलेट एंड प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। रिवेट का यूज लोग बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं, रिवेट का हम लोग। ऑटो कैड का यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, आप मैकेनिकल वाले, सिविल वाले कोई भी कर सकते हैं। 3ds Max जो है 3D मोल्डिंग एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, गेमिंग डिजाइनिंग एंड वर्चुअलाइजेशन इसमें कर सकते हैं आप सिंपली। उसी तरह माया में भी एक सिमुलेशन और एनिमेशन और मॉडलिंग कर सकते हैं। हम लोग को ऑटो कैड डाउनलोड करना है तो हम लोग को सिंपली हम लोग ऑटो कैड पे क्लिक करेंगे। ऑटो कैड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे है साइन इन, दूसरा है क्रिएट अकाउंट। अगर आप अकाउंट बना चुके हैं पहले से, क्रिएट कर चुके हैं, ऑटोडेस्क में आपका अकाउंट बना हुआ है, आप सिंपली यहां से साइन इन कर सकते हैं, वरना आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्रिएट अकाउंट करते हैं। क्रिएट अकाउंट करने के लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले मांगा जाएगा कंट्री, आप कहां से हैं। तो हम लोग इंडिया से हैं, मैं इंडिया से हूं, तो यहां से सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा एजुकेशनल रोल क्या है आपका, स्टूडेंट है आप कि स्कूल आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डिजाइन कंपटीशन मेंटर हैं, क्या है। हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है इंस्टीट्यूट टाइप आपका क्या है, हाई स्कूल में है कि यूनिवर्सिटी और पोस्ट सेकेंडरी में, तो हम लोग यूनिवर्सिटी पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बीटेक वाले हैं और डिप्लोमा वाले हैं तो यूनिवर्सिटी और पोस्ट सेकेंडरी पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, तो
तो मैं यहां से डेट ऑफ बर्थ दे देता हूं। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक पेज ओपन होगा जिसमें कि आपका फर्स्ट नेम मांगा जाएगा। मान लेता हूं मेरा नाम, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम देना है, उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना है, उसके बाद कंफर्म मेल एड्रेस देना है, उसके बाद आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड एटलीस्ट वन लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट वन नंबर होना चाहिए, मिनिमम 8 करेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 यूनिक करेक्टर्स होना चाहिए। तो ऐसा आपको पासवर्ड बनाना है। मैं यहाँ पासवर्ड फिलअप कर दिया। उसके बाद सिंपली इस बॉक्स पे जो एक स्क्वायर बॉक्स है, आई एग्री वाला बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए मेल आईडी ओपन करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड, तो कंटिन्यू। अगर आप ऑलरेडी वेरीफाई मोबाइल से कर सकते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज आपको मेल खोल के वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग मेल ओपन करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ से हम लोग मेल ओपन कर लेंगे। ये मैं मेल ओपन किया। मेल ओपन करते ही आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट में ही वेरीफाई योर ऑटोडेस्क अकाउंट का एक मैसेज आया हुआ है मेल में। तो हम लोग इसको मैसेज को ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही यहाँ पे है वेरीफाई ईमेल। वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद हम लोग डन पे क्लिक करेंगे। डन डन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मांगा जाएगा नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अपना इंस्टीट्यूट का नाम देना है। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट का नाम शो नहीं कर रहा है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट नाम सर्च करके इंस्टीट्यूट का नाम सर्च कर लेंगे। जैसे कि मैं अगर दुमका में रह रहा हूँ, मैं सर्च करता हूँ दुमका DUMK। आप यहाँ देख सकते हैं दुमका पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका आ गया। मैं यहाँ से अपना कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एरिया ऑफ स्टडी, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो प्रोडक्शन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। तो मैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इनरोल फॉर्म, आपने एडमिशन कब लिया था वो मंथ देना है आपको। मान लेता हूँ मैं लिया था अगस्त में। उसके बाद ईयर देना है, मैं 2019 में एडमिशन लिया था। उसके बाद ग्रेजुएट इन, ग्रेजुएट कब पास आउट होंगे आप, मान लेता हूँ सितंबर। और उसके बाद पासिंग ईयर क्या होगा, 1920, 2021, 2022, यहाँ से मैं 22 दे दूंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कंटिन्यू का एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है। इस बटन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं नंदन कुमार लॉगिन हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं वेलकम बैक नंदन कुमार, नंदन कुमार लॉगिन हो चुका है, यानी मेरा अकाउंट इसमें लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से वर्जन सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोकैड 2018, ऑटोकैड 2019, 2021, जिस वर्जन का ऑटोकैड आपको डाउनलोड करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेता हूँ मैं ऑटोकैड 2021 डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम का ऑपरेटिंग क्या है, 64-bit है या 62-bit है। तो देखिए 2021 में 64-bit ही दे रहा है क्योंकि आजकल 64-bit ही आता है। तो वहाँ से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे विंडोज 64-bit। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली आपका स्क्रीन का, इस पेज का स्क्रीनशॉट करके रख लेना है क्योंकि यहाँ पे सीरियल नंबर है और प्रोडक्ट की है। ये आपको इंस्टॉलिंग करते वक्त जरूरत पड़ेगा, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल को नीचे करेंगे तो आपसे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे जो एक एरो है उस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ का एरो। इस एरो पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ है, डाउनलोड नाउ है, ब्राउजर डाउनलोड है और हेल्प मी डिसाइड है। तो सिंपली अगर इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो जिस सिस्टम से आप ओपन किए हैं उसी सिस्टम में इंस्टॉल होने लगेगा। डाउनलोड नाउ पे भी करेंगे तो उसी सिस्टम में वो डाउनलोड हो जाएगा और बहुत ही बड़ा फाइल डाउनलोड होगा। डाउनलोड नाउ पे अगर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं 3.79 GB का फाइल जो होगा वो डाउनलोड होने लगेगा।
अगर आप ब्राउजर डाउनलोड करते हैं तो आपका कंप्रेस फाइल डाउनलोड होगा, जिसे आप पेन ड्राइव से मूव करा के इधर उधर दूसरे सिस्टम में भी ले जा सकते हैं। तो ब्राउजर डाउनलोड करने से मेरा कंप्रेस फाइल यानी 1.6 या 1.7 जीबी के आसपास डाउनलोड होता है। तो सिंपली हम लोग ब्राउजर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अगर डाउनलोड फाइल पे क्लिक करते हैं तो मेरा 3.79 जीबी का पूरा फाइल डाउनलोड होगा। तो सिंपली ब्राउजर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ऑटो कैड 1.6 जीबी का डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो कैड 1.6 जीबी का डाउनलोड हो रहा है। अब हम लोग सीखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं ऑटो कैड को। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो कैड का डाउनलोडेड फाइल है ऑटो कैड का, इसको हम लोग ओपन करेंगे। उससे पहले अगर आपका नेट कनेक्ट नहीं है सिस्टम तो आप यहाँ से नेट कनेक्ट कर लेंगे सिस्टम को, क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए थोड़ा नेट की जरूरत होती है। तो आप सबसे पहले नेट ऑन कर लेंगे, अपने सिस्टम में नेट कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप एंटीवायरस यूज कर रहे हैं तो एंटीवायरस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद ये फाइल जो है ऑटो कैड का डाउनलोडेड फाइल, इसको ओपन करेंगे। मैं इसे ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो रहा है ऑटो कैड, क्योंकि हम लोग कंप्रेस फाइल डाउनलोड किए थे तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद आपसे यहाँ परमिशन मांगेगा, आप सिंपली यस पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का एक विंडो ओपन होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। ये जो आई रिजेक्ट के जस्ट बगल में आई एक्सेप्ट है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना। उससे पहले आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपका इंडिया नहीं आ रहा है तो कंट्री ऑफ रीजन, अगर आपका इंडिया नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल, अब आप यहाँ देख रहे हैं एक एक फाइल करके इंस्टॉल वो हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इसे आप इसी तरह छोड़ दें। उसके बाद आपको लॉन्च नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों पे टिकआउट होना चाहिए, ये टिकआउट है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्च नाउ पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे सीरियल नंबर मांगा जाएगा और यहाँ पे यूज नेटवर्क लाइसेंस। तो आपके पास तो लाइसेंस तो है नहीं, हम लोग के पास सीरियल नंबर है, क्योंकि हम लोग डाउनलोड करते वक्त सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की नोट किए थे। तो यहाँ पे इंटर सीरियल नंबर पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आई एग्री है उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे रन कर देंगे तो आपका जो 30 डेज के लिए ट्रायल पीरियड का जो ऑटो कैड रहता है वो लॉन्च हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक्टिवेट करेंगे क्योंकि हम लोग के पास सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की मौजूद है। तो यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। सीरियल नंबर डाउनलोड करते वक्त जो नोट किए थे सीरियल नंबर वो यहाँ पे डालेंगे, 901602389499। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट की आप देख सकते हैं ऑलरेडी ले चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेटिंग योर प्रोडक्ट लाइसेंस, ये एक्टिवेटिंग हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसेंस एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑटो कैड 2021 स्टूडेंट वर्जन मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ऑटो कैड 2021 आ चुका है। इस तरह हम लोग ऑटो कैड को इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ऑटो कैड इंस्टॉल करने के लिए नेट हमेशा ऑन रखिएगा और इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो आप इसे आराम से इंस्टॉल होने दें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।